सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ टॉप 10 मीम्स इन इंडिया बाय डाइविंग 3D। और गाइस ये सारे जो मीम्स है ये न्यू अपडेट के हैं जो किसी को भी नहीं मालूम होगा। और आज के इस वीडियो में मैं न्यू ग्लिचेस भी मैं बताने वाला हूँ। और गाइस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग डांसिगर को अपने गेम में कैसे ऐड कर सकते हो। डांसिगर का तो चीट कोड 15 है, लेकिन आप जब भी अपने गेम में 15 चीट कोड डालोगे तो आपके गेम में डांसिगर नहीं लोड होगा। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो आप अपने गेम में 110% डांसिगर को लोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप के जरूर से जरूर देखना ताकि आप भी अपने गेम में डांसिगर को स्पॉन कर सके। सो गाइस हमारा फर्स्ट मीम है अपडेट के बाद कोई भी एनपीसी को मारो तो वो भागने लगेगा। सो गाइस क्या सच में अपडेट के बाद एनपीसी को मारे तो वो भागने लगेगा? अपडेट से पहले जब हम लोग एनपीसी को मारते थे तो वो तो भागता नहीं था बल्कि हम लोगों को ही मारता था। तो चलो अभी देखते हैं कि ये मीम कंफर्म है या बस्ट है। तो चलो गाइस इस एनपीसी को मार के देख लेते हैं कि ये भागता है या नहीं। अरे अरे भागने की दूर बात, ये तो मुझे मारने ही लगा पहले की तरह। तो चलो दूसरे एनपीसी पर ट्राई करके देखते हैं, लेकिन मैं इस बार मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ, इस बार मैं गन से फायर करने वाला हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, जब मैं फायर कर रहा हूँ तो ये तो एनपीसी सच में भाग रहा है, लेकिन हैंड से फाइट लेने पर तो ये भागता नहीं था, लेकिन फायर करने पर ये भागता है। तो ये मीथ होता है कंफर्म। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ है पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को फायर करो और ड्रोन ऑन करो, पुलिस लड़ाई करेंगे। तो गाइस मैं तो पुलिस स्टेशन पर तो आ चुका हूँ और गाइस यहाँ पे आकर पुलिसों को मैं फायर करता हूँ और ड्रोन ऑन करता हूँ, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो एक ही पुलिस है। इस मिथ को करने के लिए तो कम से कम 2 पुलिसों की जरूरत होगी। एक काम करता हूँ गाइस, बाहर से कुछ एनपीसी को मैं बुलाकर यहाँ पर ले आता हूँ, फिर ये मिथ को कंटिन्यू करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो मैंने 2 एनपीसी को यहाँ पे ले आया हूँ और वहाँ पे एक पुलिस भी खड़ा है, और मैं जल्दी से इन तीनों बंदों को एक साथ कर देता हूँ ताकि ये मीट कंटिन्यू कर पाऊँ। तो गाइस आप ये देख सकते हैं मैंने ये तीनों बंदों को एक साथ कर दिया हूँ, और आरजीएस टूल में जाता हूँ और ड्रोन ऑन कर देता हूँ मीथ के अनुसार, और देखता हूँ कि कौन सा मैजिक देखने को मिलता है हम लोगों को। ओ भाई ये क्या है भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, एक पुलिस और 2 एनपीसी में फाइट हो रहा है यहाँ पे। एक पुलिस से जो गन एम किया हुआ है और 2 एनपीसी उसको मार रहा है, ये तो मस्त सीन देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आप लोग इस मिथ को करके बहुत सारे चीजों पर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कोई एनिमल और एनपीसी में फाइट करवा सकते हो आप लोग। तो ये मिथ होता है कंफर्म। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है सबसे पहले ऑडी कार का चीट कोड डालो, उसके बाद प्लेन का चीट कोड डालो, उसके बाद जल्दी से घोस्ट राइडर बाइक का चीट कोड डालो और उस पर बैठो और देखो मैजिक। ओके गाइस तो सबसे पहले 500 करके ऑडी कार का चीट कोड डाल लेते हैं, उसके बाद 8000 का चीट कोड डाल लेते हैं और इसके ऊपर घोस्ट बाइक को बुला लेते हैं और जल्दी से इस पर बैठ जाते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर कैसे ये हाथ और पैर बाहर निकाला हुआ है और खुद ये कैसा बैठे हुआ है, ये देखने में कितना अजीब ही लग रहा है भाई। भाई भाई ये मीम तो बहुत तगड़ा ग्लिच देकर गया है, इसके लिए तो 1 लाइक तो बनता है भाई। तो ये मीम होता है कंफर्म। सो गाइस हमारा अगला मीथ है डॉग को स्पॉन करो और आरजीएस में ड्रोन ऑन करो, फिर दोनों ऑप्शन को एक साथ क्लिक करो, फिर देखो मैजिक। तो गाइस सबसे पहले 600 से डॉग को स्पॉन कर लेते हैं और आरजीएस टूल में जाकर ड्रोन ऑन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे डॉग पर बैठने का ऑप्शन और आरजीएस टूल में क्लिक का बटन पर एक ही बार टैप करते हैं। अरे ये क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर तो गायब ही हो गया यहाँ से। हमारा कैरेक्टर डॉग पर बैठा था लेकिन वो हमारा कैरेक्टर तो नीचे चल गया और ये कैरेक्टर हम लोग को डॉग में बदल गया। और आप ये देख सकते हैं मैं इस डॉग को चला भी पा रहा हूँ, इसे देखने में ही कितना ऑसम लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टर का गेम नहीं है बल्कि डॉग का गेम है, कि ये डॉग इंडिया बाय डाइविंग 3D में घूम रहा है भाई। हम लोग का कैरेक्टर गायब हो गया लेकिन हम लोग डॉग बन चुके हैं इस गेम में। तो इस मिथ को अपने गेम में आप लोग ट्राई करिएगा जरूर से जरूर, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस ग्लिच में। तो ये मिथ होता है कंफर्म। इसको मैंने स्टॉप किया ही था लेकिन ये यहाँ पे क्या देखने को मिला हम लोग को, ये जो हमारा कैरी कैरेक्टर है वो कैसे बैठा हुआ है डॉग पर, ये देख सकते हैं आप लोग। और हमको इस कैरी के कैरेक्टर का पूरा फोटो दिख रहा है, ये कैसा चेहरा है ये पूरा दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है, पहले एक बाइक को स्पॉन करो, उसके बाद बाइक के पास 1120 फॉर्म में डाल करो और बाइक में बैठने का बटन और 1120 पर क्लिक बटन पर एक ही बार टाइप करो और फिर देखो मैजिक। ओके गाइस, तो मैं 8888 करके एक न्यू बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ, उसके बाद 1120 को टाइप करना है और गाइस यहाँ पे बाइक पर बैठने का बटन और 1120 पर क्लिक का बटन पर एक ही साथ क्लिक करना है मिथ के अनुसार। ओ भाई ये क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर तो ऊपर ही लग गया और ये देखो हमारा कैरेक्टर तो ऊपर ही हेमलेट पहन रहा है और गाइस ये आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर ऊपर चला गया हुआ है और हम लोग सिर्फ इस बाइक को चला पा रहे हैं। इस ग्लिच को करके हम लोग इस बाइक को कहीं भी चला सकते हैं इस पूरे इंडिया बाइक ड्राइविंग 3D मैप में। तो भाई इसके लिए थे एक लाइक तो बनता है भाई, ये ग्लिच आप भी अपने गेम में ट्राई करिएगा जरूर से जरूर और अपने पूरे मैप में बाइक को लेकर घूमिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो ये मिथ होता है कंफर्म। सो गाइस हमारा अगला मिथ है, अगर आप हाउस वाले स्विमिंग पूल में डॉग बुलाओ फिर पूल में इंटर करते ही पूल से बाहर जाओ पर साथ में डॉग में इंटर करो फिर आप डॉग बन जाओगे। तो चलो गाइस सबसे पहले 600 करके डॉग को स्पॉन कर लेते हैं, उसके बाद स्विमिंग पूल में इंटर कर लेते हैं। अब मिथ के अनुसार स्विमिंग पूल से बाहर आना है लेकिन साथ ही साथ डॉग में भी इंटर करना है तभी हम लोग डॉग बन पाएंगे। और गाइस ये आप लोग देख सकते हो कि जैसा भाई ने कहा था वैसे हम लोग किए थे, डॉग बन गए हुए हैं हम लोग। लेकिन भाई ने तो प्रोप्स भी लगाकर बाहर निकलने के लिए बोला था लेकिन मैं तो भूल गया प्रोप्स लगाना, लेकिन हम लोग यहाँ तो डॉग बन गए हैं। तो ये मिथ होता है कंफर्म। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है, दो सुपर कार को एक जगह पर बुलाकर देखो मैजिक। तो चलो गाइस सबसे पहले 8333 से BMW के स्पॉन कर लेते हैं जो न्यू अपडेट में आया है और उसके ऊपर एक और कार को स्पॉन कर लेते हैं और इस पर दोनों पर बैठ कर देखते हैं कि कौन सा ग्लिच देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ये दोनों कार एक ही साथ चलेगा, देखते हैं कि एक ही साथ चल पा रहा है या कि नहीं। ओ भाई ये तो सच में दोनों कार एक ही साथ चल रहा है भाई, लेकिन दोनों कार एक ही साथ क्यों चल रहा है, लेकिन मैं तो सिर्फ ऊपर वाला कार को कंट्रोल कर रहा, तो ये साथ ही में साथ दोनों कार चल रहा है, नीचे का वाला कार भी चल रहा है। तो इस मिथ को मैं अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला हूँ, मैं 5-6 कार एक के ऊपर एक को स्पॉन करता हूँ और देखते हैं कि वो चल पाता है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने 5-6 BMW को एक बार एक ऊपर करके बहुत सारे BMW को स्पॉन कर लिया और देखते हैं कि ये कार चल पाती है कि नहीं। ओ भाई ये तो दो कार तो स्पॉन कर रहा था तो चल ही रहा था, लेकिन ये तो 5-6 कार तो स्पॉन किया ये भी चल रहा है भाई। और गाइस मैंने जब ऊपर के कार को सारा कार को क्रैश कर दिया तो मैं एक साथ दो दो कार को चला रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैं जैसे ही एक कार को कंट्रोल कर रहा हूँ वैसे ही दूसरा कार भी कंट्रोल हो पा रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लेयर मोड अपडेट हो चुका है और मैं ये दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ। इस ग्लिच को करके आप लोग भी एक साथ दो दो कार को चला सकते हो भाई, जो कि देखने में बहुत ऑसम ही लग रहा है। तो ये मिथ होती है कन्फर्म। सो हमारा नेक्स्ट मिथ है, पहले कहीं भी स्टिकी बम लगा दो फिर मूड ऑन करके एक्स प्लस पर क्लिक करोगे तो स्टिकी बम फट जाएगा। ओके तो सबसे पहले मैं इस कार में बहुत सारे स्टिकी बम डाल देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैं स्टिकी बम बहुत सारा डाल दिया हूँ। अब RGS2 में जाके मूड ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे जो न्यू फीचर आया है वहाँ पे मैं एक्स बटन पर टैप कर लेता हूँ। ओ भाई ये आप देख सकते हो मैं जैसे ही एक्स बटन पर टैप किया हमारा कार का जो स्टिकी बम था वो ब्लास्ट हो चुका है। ऐसे आप भी बहुत सारे स्टिकी बम लगाकर उसको ब्लास्ट कर सकते हो। तो ये मिथ होता है कंफर्म। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ होने वाला है, सबसे पहले JCB को स्पॉन करो, उसके बाद टैंक को स्पॉन करो और धमाका होगा। ओके तो सबसे पहले 677 करके JCB को स्पॉन करो, उसके बाद 4040 टैंक को स्पॉन कर लेते इसके ऊपर। ओ भाई ये कैसा ग्लिच हो गया, इसका तो टैंक तो पूरा ऊपर नीचे होने लगा यहाँ पे। JCB और टैंक फुल गोल गोल घुमाओ और कहाँ से कहाँ चले गए भाई ये। तो वह JCB के ऊपर अगर आप लोग टैंक को स्पॉन करिएगा तो आप लोग एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जैसा कि भाई ने मिथ में बोला है वैसे। इसको आप भी अपने गेम में जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। तो वह ये मिथ होती है कंफर्म। तो वही सबसे पहले 15 चीट को डायल करने से डांसिंग को स्पॉन कर लेते हैं, उसके बाद RGS2 में जाकर न्यू फीचर को इंस्टॉल कर लेते हैं और इस डांसिंग को हम लोगों को नीचे ले जाना है और मैं इस डांसिंग को सबसे पहले नीचे ले जाता हूँ।
और आप ये देख सकते हैं जैसे ये नीचे गया तो इसका बाल तो नजर ही नहीं आ रहा है ऊपर, ये तो पूरा टकरा हो चुका है मिथ के अनुसार। तो ये मिथ होती है कंफर्म। तो आप ये देख सकते हैं मैंने डांसी गर्ल को कैसे स्पॉन कर लिया यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने डांसी गर्ल को स्पॉन करके खतरनाक मिशन कर रहा हूँ, यानी कि इसके साथ खेल रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया होगा कि डांसी गर्ल का ये चीट कोड है 15। लेकिन आप लोग जैसे ही 15 चीट कोड डालोगे आपके गेम में डांसी गर्ल लोड नहीं होगा। अगर आप अपने गेम में 110% डांसी गर्ल को स्पॉन करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे इस वाले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और टाइटल के लास्ट में मोर पर क्लिक कर लेना है। तो आप लोग चले जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने वहाँ पे डांसी गर्ल ऐड करने का एक वीडियो को भी पेस्ट कर दिया है। वो तो सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, अगर उसको आप फुल वॉच कर लेते हो तो आपके गेम में 110% डांसी गर्ल ऐड हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ और उस वीडियो को देख लो और अपने गेम में डांसी गर्ल को स्पॉन करके एंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।